बिहार का लोक गायन। लोक गीतों की संपदा से भरपूर बिहार की धरती ने एक से बढ़कर एक गायक वादक पैदा किए। जन्म, जनेऊ, विवाह, व्रत उत्सव, कौनी, पिसौनी, रोपनी आदि के समय औरतों द्वारा गाए जाने वाले विभिन्न गीतों में लोक गायन का वास्तविक स्वरूप दिखाई पड़ता है। वह अकृत्रिम होता है। उसमें उल्लास, भक्ति, प्रेम, परिहास, करुणा, उलाहना आदि के साथ ही स्वागत, विदाई आदि के भाव भी स्वाभाविक रूप से व्यक्त होते हैं। खिलौना, सोहर, झूमर, जुनार, जांसर, साझा बराती, ओपनी की, बोली, चैता आदि दर्जनों प्रकार के बिहार की मिट्टी की अपनी अंतसर की अभिव्यक्ति। जनेऊ तथा विवाह के हल्दी, मंडपाच्छादन, स्नान, तिलक, स्वागत, भोजन, गुरहती, मंगटकी, सिंदूरदान, गोबर, कन्या विदाई आदि विभिन्न प्रसंगों के गीत हमारी ग्रामीण संस्कृति के अभिन्न। इन्हें नारी समाज में सदियों से अपनी चेतना और स्मृति से पेशा जो रखता है। इनमें हमारी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का इतिहास दिखाई देता है। मिथिला में नाचारी जैसे गीतों की मोहक परंपरा भी बिहार की मूल्यवान। बिहार में प्रचलित लोक गीतों के पांच प्रमुख गीत ये हैं: संस्कार गीत, पर्व गीत, श्रम गीत, प्रेम मनोरंजन के गीत, गाथा गीत और ऋतु। जन्म, जनेऊ, तिलक और विवाह के विभिन्न प्रसंगों पर गाए जाने वाले गीत संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं। पर्व गीतों में छठ गीत सर्वाधिक महत्वपूर्ण। श्रम गीतों में जांसा तथा रोपनी के गीतों की है कि तरंग के परिवेश में ऐसा नाद बोलती है कि प्रेम मनोरंजन के गीतों का प्रचलन मुख्य रूप से श्रमशील पुरुषों, चाहे वो चरवाहे हो, हलवाहे, गाड़वानी करने वाले आदि में। ये मन की मौज के अनुसार बिरहा, लोरिका आदि भी मुख्य भाव से गाते हैं। लोरिका भरथारी और नौका गाथा गीतों के नायक हैं। बारहमासा की परंपरा लोक गायन में भी, परंतु बोली और चैता अलग से ऋतु गीत की पहचान बना। बिहार के लोकगीतों के इन विभिन्न पक्षों को कबीरदास ने यमुना पदों, निर्गुण और सूरदास तुलसी के भक्ति के पदों ने इतनी गहराई तक प्रभावित किया है कि उसमें अभिन्न भाव से घुल मिल गए। माली जाति के लोग देवी के विशेष प्रिय भक्त माने जाते हैं। उनके गीतों में भक्ति की जो तन्मयता होती है अन्य किसी में नहीं देखी। इन विभिन्न गीतों गानों में ढोलक, झाल, डुकी, डंका, टुकटुक आदि वादों का प्रयोग होता है। संस्कार गीतों में औरतें भी ढोलक का उपयोग करती हैं। होली और चैता में ढोलक और झाल का सामूहिक वादन मस्ती तथा उमंग में समा बांधते हैं। इन बाजाओं को बजाने वालों का ना कोई घराना और ना ही कोई पुरुष परंपरा। अनपढ़ गवार औरतों या पुरुषों में अनेक ऐसे निकल आते हैं जिनके हाथ में कुशलता इसमें बैठा। बिहार में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक, परंतु मगध, मैथिली, बज्जिका और अंगिका बोलने वालों में भी ये गीत समान भाव से गाए जाते हैं। विशेषकर संस्कार गीतों में भाषा भेद के अंतर्गत भावना तथा विषय की समानता आंतरिक एक सूत्रता के प्रमाण सामने रहता है। भाषा चाहे जो हो, प्रायः सबके संस्कार गीतों में राम, विष्णु तथा भगवान शंकर के पारिवारिक परस्पर का प्रसंग की भागीदारी प्रमुखता से बैठी। इनके अलावा देवी गंगा की भक्ति के गीतों का गायन भी पूरी तरह पारिवारिक पृष्ठभूमि का बनाकर ही होता है। इन गीतों में हर बालक या दुल्हा राम या कृष्ण और हर कन्या सीता या द्वीजों में जनौ संस्कार अलग से होता है। उसके गीतों की विशेषता यह होती है कि जनौ के अधिकारी कुमार को गीतों में बरुआ कहा जाता है, जैसे विवाह हो रहे युवक को दुल्हा या कन्या को। तिलकोत्सव चूंकि लड़के वाले के यहाँ ही संपन्न होता है, इसलिए उसके गीत उसके यहाँ ही गाए जाते हैं और उसमें लड़के को अधिक गुणवान बताते हुए उसके गुण के अनुपात में तिलक की राशि तथा
था उसके सामान कम बताया। नारी समाज का कहना होता है कि मोर बाबू पढ़ल पंडितवा तिलक भरा थारे बाजे, या भग लिया लड़का हमार जीव संगी बहन। हल्दी कलश स्थापन से चौथारी तक अलग अलग प्रसंगों के बीच वर तथा कन्या दोनों की यहाँ नियमित रूप से गाई जाती है। सांझा बाराती में घर की बुजुर्ग नारियां धीमी आवाज में गाती हुई पितरों का आवाहन और वंदन करती है। द्वार पूजन के लिए दरवाजे पर आई बारात के स्वागत में ही गाती नारियों का समूह घर के वयस्क सदस्यों का नाम ले लेकर भगवानी करने का आग्रह करते हैं। उनका कहना होता है कि आपन खोरिया पराहे हकावन देवा अवतारे दुल्हा दामाद, आगे परिछावन चुमावन आदि के लिए होते हैं। भोजन करने आए समधि के पैर धोने के आग्रह वाले गीतों गोर धुआई कहा जाता है। द्वार पूजा के बाद और भोजन करने बैठ चुके बारातियों से परिहास भाव में व्यक्ति के रूप में पत्नी बहन बुआ आदि को लगाकर जो गालियां गाई जाती है उनमें औरतों की उम्र तथा पद की सारी सीमाएं किशोरियों से लेकर वयस्क महिलाओं तक का समूह समवेत रूप से समधि तथा अन्य बारातियों की बहन बुआ पत्नी आदि का खुले खुलेपन के साथ हाथ करता और बाराती उसमें वर पक्ष की पुरोहित और नाई भी नहीं थे। बिहार के गीतों में सिंदूर दान और बेटी की निकाई की गीत करुण भाव के मांगलिक पक्ष की परिचायक कहा जा सकता है। करुण भाव का परिवेश सिंदूर दान के गीतों से भी होता है जो विदाई गीत में चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उन प्रसंगों पर जब गीत शुरू होते हैं तो गाने वाले नारियों का स्वर तो आंसू में फंसने ही लगता है। उपस्थित पुरुषों की आंखें भी बरसने उन गीतों से संपन्न हो रहे संबंध की बड़ी पवित्रता सर्वमान्यता मांगलिकता तथा आश्चर्य वचनों की वर्षा के साथ विछो की जो धारा होती है उसमें आचार्य गण के कर्मकांड की वीर ध्वनि मंद पर जाए। उन गीतों में कन्या की भावना इन शब्दों में फूटती है कि बाबा बाबा पुत्री ना बाबा ना बोले बाबा केवल जोर से वहाँ परिछावन से लेकर कोहबर तक के गीतों में उल्लास ही उल्लास छलकता उभरता रहता है। विवाह के विभिन्न प्रसंगों के गीतों के साथ देवी के भक्तिमूलक गीतों के प्रसंग भी जुड़े होते हैं। पर्व गीतों के रूप में भक्तिमूलक गीतों का गायन होता है। ग्राम देवी शंकर पार्वती या गंगा की भक्ति के गीतों के अलावा छठ के गीत इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। छठ बिहार का अपना प्रादेशिक पर्व है और उसके गीतों की अपनी सर्वथा अलग धुन या लय होती है। ये गीत बिहार की कृषि संस्कृति वाले परिवार की समर्पित सूर्य भक्ति की निष्कुलज व्यंजना करते हैं। कांच ही बासी के बहंगे या बहंगे लचकत जाए से अलग उगी ना सूरज देवलीना में एक भिन्न छंद बनता है। पर्व के भक्तिमूलक लोक गायन में पूर्णतः पारिवारिक सामाजिक का संदर्भ होता है जिसमें देव या देवी की कृपालुता स्पष्ट लीला स्वरूप सौंदर्य आदि का वर्णन चित्रण रहता है। बिहार के श्रम गीतों में जांचर तथा रोपनी गीतों का विशेष महत्व है। जाते में गेहूं या अन्य पीसती नारियां जांचर गाकर श्रम में लय पैदा करती तो धन के विचरों की रोपनी करते मजदूरिनों का समूह जब अपना गीत छेड़ता है तो उसकी लय संपूर्ण वातावरण में एक उर्वर मिठास घुल जाती है। बधर में हल जोतते हलवाहे या गाय भैंस चराते चरवाहे विरहा लोरिका नयका या जो अन्य प्रेम गीत गथा गाथा गाते गीत गाते हैं उन्हें भी एक हृदय तक श्रम गीत के अंतर्गत परिगणित किया जा सकता है। परंतु ग्वालों के निजी उत्सव सोहराई के मौके पर विरहा के अनिवार्य गायन की परंपरा है।
होली और चैता बिहार के उत्सव गीत भी हैं और ऋतु गीत भी। वसंत पंचमी के दिन से वसंतोत्सव तथा होली गायन का प्रारंभ होता है, जो चैत की परिवार के दिन पूर्णता पाता है तथा उस दिन की अर्धरात्रि के बाद से चैता गायन का प्रारंभ हो जाता है। ये दोनों ढोलक, झाल, करताल आदि लोकवादों के साथ गाए जाने वाले समूह गान। बिहार के होली चैता गायन की विशेषता है कि इनके गायन में नारियों की भागीदारी नहीं होती। होली में तो औरुष भाव से पूर्ण उल्लास, संयोग, श्रृंगार की अनेक मर्यादाएं तोड़ जाता है। बिहार के होली गीतों का ब्रज भाषा तथा अवधि के होली गीतों पर भी गहरा प्रभाव रहा है, परंतु भोजपुर, मगही, मैथिली आदि बिहार की अपनी बोलियों में होली की विशेष उन्मुखता देखी जाती है। गोरिया कई के सिंगार आंगना में पीसेली हरदिया या बाबा हरिहरनाथ। बाबा हरिहरनाथ सोनपुर में होली खेले में बिहार का अपना उल्लास पूर्ण उन्मुक्तता पा लेता है। होली गायन के अंत में लहरा गाया जाता है और आधी रात के बाद एक या दो चैता गायन के साथ महीने भर चले होली गायन को विश्राम तथा अगले महीने भर के चैता गायन को प्रारंभ मिलता है। बिहार के लोक गायन का अभिन्न अंग ढोलक नामक बाजा रहा है। होली, चैता या रामायण गाते समय इसके वादन के एक से एक माहिर देखे जाते हैं। बक्सर जिले के बराढ़ी गांव में राम कृतार्थ ओ मिश्र उर्फ गांधी जी के ढोलक वादन को तो कलकत्ते तक ख्याति मिली थी। भोजपुर जिले के बलीगांव ग्राम के स्वर्गीय किशुन देव राय और छोटका सांसराव के कंठासुर राय की अद्भुत कला उनके साथ ही चली गई। बक्सर जिले के ही बलवा गांव के सिरहीन गोंडा से अपने हाजिर जवाबी आशुक व्यक्ति तथा हुडर वादन में दूर दूर तक प्रसिद्धि पाई। विद्यावासिनी देवी, भरत सिंह भारती, शारदा सिन्हा आदि ने बिहार के लोक गायन को रेडियो, दूरदर्शन आदि के द्वारा व्यापक विस्तार तथा प्रसार संसनीय कार्य किया। युवा पीढ़ी में अजीत कुमार अकेला, भरत शर्मा व्यास तथा मनोज तिवारी ने ख्याति पाई है, परंतु वास्तविकता यह है कि लोक गायन की आत्मा आज भी ग्रामीण नारियों तथा पुरुषों के कंठ में फूटे विभिन्न गीतों में बोलती है। साहिराई के मौके पर एक मदमस्त ग्वाला विरहा का जो अपना जो अलाप लेता है वह विरहा का वास्तविक लौकिक स्वरूप होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह बात पसंद आया होगा।